ओके सो आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। सो स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन के साथ में। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपका, इसको मैं इन शॉर्ट डीई से नोट कर रही हूँ। तो ये आपका एक इक्वेशन होता है जिसमें इन विच डेरिवेटिव्स, अब ये डेरिवेटिव जो है वो आपके क्या हो सकते हैं, इसमें आपका डिपेंडेंट वेरिएबल एक हो सकता है या एक से ज्यादा हो सकता है, इंडिपेंडेंट एक हो सकता है या एक से ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो इक्वेशन इन विच डेरिवेटिव्स ऑफ वन और मोर देन वन डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल्स विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स अकर इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपका एक इक्वेशन होता है जिसमें आपके डेरिवेटिव्स आते हैं। अब ये जो डेरिवेटिव्स हैं ये आपके वन या फिर मोर देन वन डिपेंडेंट वेरिएबल्स विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो सकता है। अब यहाँ पे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की बात आती है। ठीक है, सो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का मतलब है कि जैसे हम लोग सपोज वाई इक्वल टू कुछ एक्स प्लस फाइव ले लिया, समथिंग एक ऐसे ही हम इक्वेशन ले रहे हैं। तो यहाँ पे अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वाई है इसकी वैल्यूज डिपेंड करेंगी अगर हम लोग एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। जैसे एक्स की वैल्यू अगर मैंने वन पुट कर दी तो वाई की वैल्यू हमारी सिक्स आ गई, एक्स की वैल्यू मैंने फाइव पुट कर दी तो वाई की वैल्यू टेन आ गई। तो ये जो वाई है ये डिपेंड हो गया आपका किस पे, एक्स पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और जो वाई है वो डिपेंडेंट हो गया। ठीक है, तो सिमिलरली आपका डिफरेंशियल इक्वेशन में होता है कि आप जो डेरिवेटिव कर रहे हैं या फिर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, राइट। जैसे हम लोग लिखते हैं कि y इक्वल टू इसी को एक्स स्क्वेयर प्लस फाइव प्लस कुछ सिक्स एक्स ऐसे लिख लिया। अब ये y है x पे डिपेंड कर रहा है तो इसका डेरिवेटिव हम किसके रिस्पेक्ट में लेंगे, x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे तो dy वाई बाई डी एक्स हो जाएगा और ये जो भी निकलेगा आपको जैसे टू एक्स प्लस सिक्स। तो यहाँ पे y जो है वो डिपेंडेंट हो गया और x जो है वो इंडिपेंडेंट हो गया। सिमिलरली आप y को इस टाइप से भी लिख सकते हैं या फिर y को छोड़िए z को लिख लेते हैं हम। z को लिख सकते हैं सपोज एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ पे x और y इन दोनों की वैल्यूज हम लोग देंगे तो हमें z की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो z है वो डिपेंड हो गया किस पे, x और y पे। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके हो गए x और y और डिपेंडेंट हो गया z। तो यहाँ पे अगर आप डेरिवेटिव करेंगे तो आपको x के रिस्पेक्ट में और y के रिस्पेक्ट में दोनों के रिस्पेक्ट में अलग अलग करना पड़ेगा, उसको हम पार्शियल डेरिवेटिव बोलते हैं। जैसे डेल जेड अपॉन डेल एक्स निकालना पड़ेगा और डेल जेड अपॉन डेल वाई। ठीक है, तो इस इक्वेशन में आपके डिपेंडेंट वेरिएबल तो एक हो गया जेड और इंडिपेंडेंट एक्स और वाई, मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो गए। ठीक है, तो ये जिस इक्वेशन में आपके डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करें, अब वो डेरिवेटिव आपके उस डेरिवेटिव में आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकता है, या फिर डिपेंडेंट वेरिएबल एक या एक से ज्यादा हो सकता है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल भी लेना चाहें तो डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस फाइव वाई इक्वल टू समथिंग ई टू द पावर एक्स। तो ये आपकी इक्वेशन है और इसमें डेरिवेटिव्स आ रहे हैं आपके, तो ये आपकी हो गई डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें आप देख सकते हैं कि एक ही डिपेंडेंट और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सिमिलरली जैसे आपने ले लिया डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वेयर प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे ये भी एक इक्वेशन है
जिसमें डेरिवेटिव्स आ रहे हैं, बट इसमें क्या है, आपको जो यू है वो डिपेंडेंट है और एक्स और वाई इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ पे आपको एक डिपेंडेंट और दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, तो ये भी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये फर्दर आपकी मतलब इसको हम लोग इसके आधार पे कि आपके डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कितने वेरिएबल्स आ रहे हैं, इसके बेस पे आप इनको बांट सकते हैं। अब वो कैसे कर सकते हैं, जैसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, अब जिसमें आपका एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल आए, सॉरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका एक ही आए, है ना, मतलब सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसको तो हम बोल देते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और जहां पे आपको मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाए, उसको हम बोल देते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, बस यही है। अगर सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है उसको हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे आपका ये एग्जांपल था, और मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है तो उसको हम बोल देते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे सेकेंड वाला एग्जाम्पल था, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इसमें आपको पार्शियल डेरिवेटिव्स इस इक्वेशन में मिलेंगे, और वो तभी होंगे जब आपके पास में मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे, राइट। तो अब हम जो इसमें अब स्टडी करने जा रहे हैं वो है आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आपका क्या हो गया, ए डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच डेरिवेटिव्स ऑफ वन और मोर देन वन डिपेंडेंट वेरिएबल, मोर देन वन डिपेंडेंट वेरिएबल्स विद रिस्पेक्ट टू ए सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व्स, जिसमें आपको डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें आपके जो डेरिवेटिव्स वो किस टाइप के आ रहे हैं, वन और मोर देन डिपेंडेंट वेरिएबल्स विद रिस्पेक्ट टू ए सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बोल देते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और हमने एग्जांपल्स पीछे में देख ही लिए हैं। तो ये तो आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। नेक्स्ट आपका आता है कि डिग्री और ऑर्डर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है, क्योंकि उसी के बेस पे फिर हम उसको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगराइज करेंगे एक डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो सबसे पहले आपका आता है ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर आपका क्या होता है, कुछ नहीं होता, जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपका होता है उसी का ऑर्डर आपका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो जाता है। तो इसकी डेफिनेशन आपकी हो जाएगी द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ दैट इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो आपके जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव है उसका आपका जो ऑर्डर होगा वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल हम लोग एग्जाम्पल लें, तो सपोज आपने लिख दिया डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे आपका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपका टू ऑर्डर का डेरिवेटिव मिल रहा है। ठीक है, तो इसका जो ऑर्डर हो गया वो कितना हो गया, टू हो गया। सिमिलरली अगर आप इस टाइप से देखें, इसको हम डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर को वाई डबल डैश भी से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर आपका एनथ डेरिवेटिव है तो इसको हम वाई एन से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं एक और डिफरेंशियल इक्वेशन लिखूं, जैसे वाई ट्रिपल डैश माइनस वाई डैश की पावर 5 इक्वल टू वाई, अब यहाँ पे हमारे पास में हाईएस्ट ऑर्डर कितना हो गया, 3, तो इसका ऑर्डर आपका हो जाएगा 3। ठीक है,
ये आपका हो गया ऑर्डर। नेक्स्ट आपका आता है डिग्री किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है, डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिग्री आपका कुछ नहीं होता है, जो आपका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसकी हाईएस्ट जो पावर होती है उसी को हम डिग्री बोल देते हैं। तो डिग्री की डेफिनेशन आपकी क्या हो गई, द हाईएस्ट एक्सपोनेंट, द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व इन इन्वॉल्व इन डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड डिग्री, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे अब यहाँ पे अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखें तो इस वाले एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखें तो आपके पास में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपका डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो रहा है, इसका पावर कितना हो रहा है, हाईएस्ट पावर आपको यहाँ पे वन ही मिल रहा है, तो यहाँ पे इसकी जो डिग्री हो गई वो आपकी हो गई वन। सेकेंड वाले केस में भी हाईएस्ट ऑर्डर आपको थ्री मिल रहा है और इसकी पावर वन मिल रही है, तो इसकी भी डिग्री आपकी वन हो गई। अब यहाँ पे एक चीज और आती है डिग्री देखने के लिए कि जो ये आपकी एक्सपोनेंट्स हो रही हैं, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की एक्सपोनेंट्स हो रही हैं, ये आपकी फ्री होनी चाहिए फ्रैक्शन से या रेडिकल्स से या फिर ट्रांसेंडेंटल फंक्शन से, ठीक है, तभी हम इसकी डिग्री डिफाइन कर पाएंगे। जैसे अगर एक एग्जाम्पल आप लोग देखें, डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, इसकी पावर सपोज मैंने 2/3 लिख दिया, इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की पावर 2। अब हमें डिग्री इसमें देखना है, तो डिग्री देखने के लिए सबसे पहले देखेंगे आपके पास में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास में हाईएस्ट जो ऑर्डर मिल रहा है वो 2 ऑर्डर मिल रहा है। अब डिग्री देखने के लिए इसकी हमें हाईएस्ट एक्सपोनेंट देखनी पड़ेगी, तो एक्सपोनेंट यहाँ पे 2/3 है, ठीक है, जो कि आपका एक फ्रैक्शन है, तो हमें पहले इस फ्रैक्शन को यहां से गायब करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्यूब कर देंगे, तो आपका हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर टू द पावर 2, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स टू द पावर 6। तो इस केस में आपका जो डिग्री हो गया वो 2 हो गया, ठीक है। तो हम जो भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है उसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहा है उसकी एक्सपोनेंट को हम फ्री करेंगे रेशनल से या फिर ट्रांसेंडेंटल फंक्शन दे रखा है, रेडिकल दे रखा है, और उसके बाद हम उसकी डिग्री देखेंगे। जैसे यहाँ पे फ्रैक्शन था तो पहले इसको हमने फ्रैक्शन लेस किया और उसके बाद में इसको हमने डिग्री बताया, ठीक है। ये तो था आपका डिग्री ऑर्डर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब इन्हीं के बेस पे जो डिग्री ऑर्डर है इसी के बेस पे हम जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम लीनियर और नॉन लीनियर कैटेगराइज करते हैं। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर सपोज आपके पास में एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है तो एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर, इसको हम कब बोलेंगे कि ये आपका लीनियर है। इफ सबसे पहले तो आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड देयर डेरिवेटिव्स शुड हैव डिग्री 1, ठीक है, पहली कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या है कि आपके पास में डिपेंडेंट वेरिएबल्स और उनके डेरिवेटिव्स का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, मीन्स नो प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड डेरिवेटिव्स। तो अगर आपके पास में एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है तो उसको हम बोलेंगे कि ये आपका लीनियर है, कब, अगर उस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपके जो डेरिवेटिव्स और जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनकी डिग्री 1 होगी, और दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल्स और डेरिवेटिव्स इनका जो है प्रोडक्ट आपके पास में नहीं मिलना चाहिए। अगर ऐसा है वो इक्वेशन तो उसको हम बोल देते हैं लीनियर,
और अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो उसको हम बोल देते हैं नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल आप लोग देखें तो अभी जैसे हमने ऊपर भी डिफाइन किया था डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस टू टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे आपके जो डेरिवेटिव्स हैं इन सब की डिग्री वन है और डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे वाई है तो वाई की भी डिग्री वन है। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी। सेकेंड में आपका यहाँ पे कोई भी जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और डेरिवेटिव का प्रोडक्ट नहीं आ रहा है तो सेकेंड भी वेरीफाई होगी। तो इस अब यहाँ पे हम इस इक्वेशन को बोल सकते हैं कि ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इनफैक्ट लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, ये तो आपका लीनियर का एग्जाम्पल हो गया। अगर हम नॉन लीनियर का कोई देखना चाहें तो जैसे इसी में अगर हम लोग कर दें डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस टू टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल आपका वाई है पर इसकी डिग्री यहाँ पे टू हो रही है। ठीक है, तो ये आपका नॉन लीनियर हो गया। अगर इस दोनों कंडीशन में कोई एक भी कंडीशन आपकी फुलफिल नहीं होती है तो वो आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो आपका नॉन लीनियर हो जाएगा। राइट, तो ये कुछ एग्जांपल्स थे लीनियर और नॉन लीनियर के। नेक्स्ट हम अब स्पेशल टाइप की डिफाइन करते जाएंगे और उनके सॉल्यूशंस अब हम फाइंड आउट करेंगे कि कोई भी जैसे डिफरेंट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे दिया है, जैसे यही दे दिया है, तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसके क्या मेथड्स होंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं सॉल्व करने के। तो अब हम वन बाय वन मेथड्स को देखेंगे कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को, यहाँ पे हम ऑर्डिनरी की बात कर रहे हैं तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के कौन कौन से मेथड्स होते हैं। ओके, तो सबसे पहले जिनके सॉल्यूशन की हम बात करेंगे वो आपकी आती है फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब सबसे पहले ये किस फॉर्म की होगी, है ना, फर्स्ट ऑर्डर है और फर्स्ट डिग्री है। तो फर्स्ट ऑर्डर है मीन्स इसमें आपका इस टाइप का कुछ होगा डीवाई बाई डी एक्स, हाइएस्ट जो ऑर्डर आपको मिलेगा, हाइएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वो वन ही मिलेगा और इसकी पावर वन मिलेगी। ठीक है, इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ठीक है, ये जो फॉर्मेट हो गया ये आपका एक जनरल फॉर्मेट हो गया फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, तो अब हम इसके सॉल्यूशंस की बात करेंगे कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट कौन से मेथड्स हैं जिनसे हम इस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें बहुत मेथड्स आते हैं, जैसे आपका सेपरेबल हो गया, सेपरेबल वेरिएबल्स का, फिर आपका होमोजीनियस टाइप ऑफ इक्वेशन, होमोजीनियस टाइप ऑफ इक्वेशन, फिर आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, नेक्स्ट आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर आपका एक और मेथड आता है बर्नौली का, बर्नौली टाइप इक्वेशन, बर्नौली टाइप ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो ये सब मेथड्स हैं जिनसे हम फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो ये मेथड किस टाइप की, आपके पास में जो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है तो उसमें किस टाइप का आपके पास में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल होगा तब हम इस मेथड को लगा सकते हैं। तो उसका जो फॉर्मेट है सबसे पहले वो देखते हैं। तो इसके लिए आपका जो फॉर्मेट है वो किस टाइप का होना चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स, ये तो पता ही है। अभी हमने क्या देखा था कि जो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का था वो समथिंग फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई
इस टाइप का आपका दिया हुआ था। तो ये जो फंक्शन एक्स कोमा वाई है, अगर ये आपका इस टाइप से हो, फंक्शन ऑफ एक्स इंटू समथिंग फंक्शन ऑफ वाई, ठीक है, अगर ये फॉर्मेट होता है तब हम मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स लगाते हैं। तो यहाँ पे आप नाम से भी देख सकते हैं, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स मीन्स हम वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे इस टाइप से कि एक टाइप का जो वेरिएबल है वो एक साइड आ जाए। जैसे यहाँ पे अगर हम इसको इस टाइप से लिखते हैं, यहाँ पे डी वाई है तो जो वाई का फंक्शन होगा उसको इसके साथ में ले आए, जी वाई इक्वल टू जो एफ एक्स है इसके साथ में डी एक्स। तो यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था उसके उसका जो डेरिवेटिव और उसका जो फंक्शन था उसको हमने एक साइड लिख दिया, और जो डिपेंडेंट वाला था उसको एक साइड लिख दिया। तो हमने दोनों वेरिएबल्स को, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को, यहाँ पे सेपरेट कर दिया, इसीलिए इसको हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इतना सेपरेट कर दिया, उसके बाद में तो कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट इनका इंटीग्रेट करो, क्योंकि ये वाई का फंक्शन है और वाई के रिस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव है, और इधर आपका एक्स का फंक्शन है और एक्स के रिस्पेक्ट में ही हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो हम यहाँ से इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वाई इक्वल टू समथिंग आपका फंक्शन ऑफ कुछ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग सेपरेट करके और इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, बस इसका इतना ही मेथड है। तो इस मेथड के लिए आपको जो चीज पहचाननी है वो क्या पहचाननी पड़ेगी, कि आपका जो फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई जो है वो इस टाइप से दे रखा हो कि उसको हम एक्स का फंक्शन अलग और वाई का फंक्शन अलग कर सके। अगर इस टाइप का आपको फॉर्मेट दे रखा है तब हम मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स लगा सकते हैं। चलिए ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, उससे थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो सपोज आपके पास में जो दे रखा है वो दे रखा है इस टाइप से, एक डिफरेंशियल, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है, डी एक्स प्लस वन माइनस ई एक्स सेक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू जीरो। अच्छा, आप लोग एक चीज और यहां से देख सकते हैं कि जो हमने यहाँ पे डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई लिख दिया है, ठीक है, या फिर एक सेकेंड, इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, ये जो है इसको हम सपोज कुछ भी फंक्शन है तो डी वाई है ना, यहाँ पे कुछ आपने एम वन दे दिया एक्स कोमा वाई का प्लस डी एक्स कुछ एम टू एक्स कोमा वाई इक्वल टू जीरो। इसको जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका जो एक फॉर्मेट है वो ये भी आ सकता है, ये भी आपका फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का एक लिखने का तरीका होता है। ठीक है, तो इससे भी आप ये जो डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू समथिंग फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई जो आ रहा है वो वाला फॉर्म ले सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से देख के ये नहीं सोचना है कि किस टाइप से आ गया, क्योंकि अब जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है वो इसी फॉर्मेट में दिख रहा है, राइट। यहाँ पे देखिए डीएक्स के साथ में ये फंक्शन आ गया, ये आपका एम वन हो गया, और यहाँ पे डीवाई के साथ में ये आपका जो फंक्शन हो गया ये एम टू हो गया, जो अभी हमने जो डिफाइन किया था, यहाँ पे सेक्स स्क्वायर वाई है। ठीक है, तो यहां से हम डीवाई बाय डीएक्स लिख सकते हैं, डीवाई बाय डीएक्स आपका कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका थ्री ई टू द पावर एक्स टेन वाई अपॉन में वन माइनस ई टू द पावर एक्स सेक्स स्क्वायर वाई, इनफैक्ट ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में हमें क्या देखना पड़ेगा कि फंक्शन ऑफ एक्स आपका अलग हो और फंक्शन ऑफ वाई अलग हो। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो देखिए ये एक्स का फंक्शन है और ये जो बच गया ये वाई का फंक्शन है, तो आप एक्स और वाई का फंक्शन अलग अलग है तो आप इनको अलग अलग कर सकते हैं। ये आपका फंक्शन हो गया समथिंग एक्स का और ये फंक्शन हो गया वाई का। ठीक है, तो आप वाई वाला जो डेरिवेटिव उसके साथ में वाई वाला फंक्शन ले जाइए, तो ये आपका हो गया सेक स्क्वेयर वाई अपॉन में टेन वाई इंटू डी वाई इक्वल टू एक्स वाला एक साइड ले जाइए, तो ये आपका हो गया माइनस थ्री टू द पावर इंटू ई टू द पावर एक्स वन माइनस ई एक्स डी एक्स। बस अब कुछ नहीं करना है, अब इनको इंटीग्रेट करना है सिंपली और आपको आंसर लिखना है। अब आप इंटीग्रेट कर दीजिए,
तो इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे टेन वाई को अगर आप कुछ टी माने, टेन वाई को अगर कुछ टी माने तो ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू डी टी। तो इसका यहाँ इसको अगर आप देखेंगे तो ये हो गया वन अपॉन टी डी टी, क्योंकि डी टी अपॉन में सेक स्क्वायर वाई का वहां से कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली आप वन माइनस ई एक्स को टी मानेंगे तो यहाँ से भी आपका कुछ इसी टाइप का आएगा। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट ही आपको इसका इंटीग्रेशन लिख दे रही हूँ, आप लोग चेक कर लेना कि सही है या गलत। अब इंटीग्रेशन करना तो आपको आना चाहिए, तो यहाँ से आपका आ जाएगा लॉग ऑफ टेन वाई इक्वल टू माइनस थ्री लॉग ऑफ वन माइनस ई टू द पावर एक्स प्लस समथिंग कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो यहाँ से आप एक्सपोनेंशियल लेके यहाँ पे वाई की वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो अगर आप एक्सपोनेंशियल कुछ लेंगे तो ये आपका हो जाएगा टेन वाई इक्वल टू ई टू द पावर सॉरी वन माइनस ई टू द पावर एक्स की पावर, ये माइनस है इसको आप अंदर भी ले सकते हैं, क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो प्लस समथिंग, अगर इसको सी को ऐसे करना चाहें तो इस टाइप से, या फिर इस कॉन्स्टेंट को आप ई टू द पावर सी भी ले सकते हैं, सॉरी लॉग सी भी ले सकते हैं। तो लॉग सी लेने से आपका क्या होगा, ये जो कॉन्स्टेंट है ये आपका इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन निकल के आया ये आपका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया, जो कि आपका सेपरेबल फॉर्म में था। अच्छा, तो ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोग भी ट्राई करिए। एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, क्वेश्चन है आपका, तो यहाँ पे आपका जो सेपरेशन बनेगा वो आपका क्या बनेगा, सेक वाई एक्स कोस वाई को इधर लेके जाएंगे तो टेन वाई डी वाई इक्वल टू टू साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, यही आपका बनेगा और इसको आपको इंटीग्रेट कर देना है, सिंपल। इसका इंटीग्रेशन का तो आपका माइनस सेक वाई हो जाएगा, और इसका सॉरी इसका सेक वाई हो जाएगा, और इसका माइनस टू कोस एक्स हो जाएगा, और इधर प्लस होके ये भी आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, बस इसमें इतना ही करना है, इससे ज्यादा आपको नहीं करना है। फिर ये तो था कि हमें यहाँ पे डायरेक्ट, मतलब हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स और फंक्शन ऑफ वाई को हम लोग सेपरेट कर पा रहे हैं। कुछ ऐसे इक्वेशन होते हैं जिसमें हमें डायरेक्ट नहीं दिखता है, बट कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करके उसको हम रिड्यूस करते हैं सेपरेबल वेरिएबल्स में। ठीक है, तो अब हम देखेंगे ऐसे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो रिड्यूसिबल हैं टू सेपरेबल वेरिएबल्स। ठीक है, सो नेक्स्ट हम देखते हैं रिड्यूसिबल टू सेपरेबल वेरिएबल्स, टू सेपरेबल वेरिएबल्स। ठीक है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपकी सेपरेबल वेरिएबल्स में रिड्यूस हो सकती हैं, तो वो किस टाइप का फॉर्मेट होगा जो आपकी रिड्यूस हो सकती हैं, तो वो आपकी दी हुई होगी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू समथिंग फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। अगर इस टाइप का आपको फॉर्मेट दिया हुआ है तो हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं सेपरेबल वेरिएबल वाले फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे आपके ए बी सी आपके कॉन्स्टेंट है, तो इसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे, ये जो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है इसको समथिंग कुछ जेड मान लीजिए। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, लेट ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जेड। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो एक्स है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ये जो हमने इक्वल टू जेड माना है इसको आप इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपका ये हो जाएगा ए प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका जो डी वाई बाई डी एक्स है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, डी जेड बाई डी एक्स माइनस ए और वन अपॉन बी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इस ये जो आप इसको सपोज इक्वेशन नंबर वन दे रहे हैं इसमें आप पुट करिए तो आप देख सकते हैं आपका जो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल वाला फॉर्म है वो आ जाएगा। चलिए कोई नहीं, एक बार देखते हैं, तो डिवाइड बाय डी एक्स की जगह मैंने पुट किया वन अपॉन बी
डी जेड बाई डी एक्स माइनस ए इक्वल टू फंक्शन ऑफ जेड, ठीक है। और इसको अगर आप और सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो एफ जेड प्लस ए बाई बी है ना, और बी इंटू, तो यहाँ पे ये तो कॉन्स्टेंट ही है, तो इसको आप आराम से जो रिड्यूसिबल सेपरेशन वाला जो फॉर्म है वो यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि आपका dz बाई डी एक्स आ गया, इसको b इंटू एफ जेड आ गया, प्लस b इंटू ए बाई बी करेंगे तो b से b कैंसिल होके समथिंग कॉन्स्टेंट हो जाएगा, राइट। तो यहां से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये z का फंक्शन है, तो इसको आप लिख सकते हैं dz अपॉन में b एफ जेड प्लस ए इक्वल टू डी एक्स, तो यहां से आपका सेपरेट हो गया, और इसको इंटीग्रेट करके आप लोग सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सपोज आपका जो क्वेश्चन है, अभी जो हमने फॉर्म पढ़ा, ये आपका रिड्यूस हो सकता है होमोजीनियस में, तो इसको आप समथिंग कुछ जेड मान लीजिए, और उसके बाद देखिए आपका क्या फॉर्मेशन बन रहा है। वाई प्लस वन को जेड हमने माना, तो यहां से डी वाई बाई डी एक्स आपका हो गया डी जेड बाई डी एक्स माइनस फोर, राइट। तो इसमें अगर हम पुट करेंगे तो ये इक्वल टू आपका हो जाएगा जेड स्क्वायर, तो डी जेड बाई हो गया जेड स्क्वायर प्लस फोर इक्वल टू डी एक्स, और ये आपका टेन इनवर्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है। बाद में ये जो चीज आ गया आपका, इसके बाद में आपको सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि इस टाइप का आ जाता है तो उसको उसका जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है। देखिए काफी बार जो इसमें प्रॉब्लम आती है ना, हम लोग ये भी पहचान जाते हैं कि आपका कौन सा मेथड इसमें लगेगा, हम लोग वो मेथड भी लगा लेते हैं, बट उसके बाद दिक्कत कहाँ आती है, जब उसको हमें इंटीग्रेट करना होता है, उस टाइम हम इंटीग्रेशन फॉर्मूला याद नहीं रहता है, और फिर आता हुआ क्वेश्चन हम लोग मिस्टेक कर देते हैं। और ये जो फर्स्ट ऑर्डर वाला जो अभी हम जो पढ़ रहे हैं, इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट आपका मेथड्स हम पढ़ेंगे, उसमें ये लगभग इंटीग्रेशन वाले जो फॉर्मूलाज आपके बहुत काम आएंगे, इसलिए उनको मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप लोग एक जगह या तो लिस्ट बना लो, एक पेज में आपके आ जाएंगे इंटीग्रेशन के, और उनको आप लोग रिवाइज कर लो। डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए, इसका जो इंटीग्रेशन होता है, सॉरी ये डी एक्स मैंने लिख दिया है ना, तो इसका जो इंटीग्रेशन आपका होता है वो होता है वन बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए। तो अगर ये होता है तो उससे अगर इसको हम लिखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, सॉरी ये ए स्क्वायर है, तो यहां से आपका ये टू का स्क्वायर हो गया, तो वन बाई टू टेन इनवर्स जेड बाई ए इक्वल टू एक्स प्लस समथिंग कॉन्स्टेंट, ठीक है। फिर आप इसको लिख सकते हैं टेन इनवर्स जेड बाई टू इक्वल टू टू टाइम्स एक्स प्लस सी, और इसको इनवर्स को आप लेंगे तो ये आपका हो जाएगा टेन इनवर्स टू इंटू एक्स प्लस सी, और जेड बाई टू है तो ये टू भी आपका मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये आपका कौन सा आंसर आ रहा है, हाँ आंसर बी आ रहा है आपका। यहाँ से आपका जो आता है होमोजीनियस इक्वेशन आती है, होमोजीनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो सबसे पहले आपका जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो होती किस टाइप की है, ठीक है। तो हमारी सबसे पहले जो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो उसका फॉर्मेट आपका होता है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू समथिंग फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ठीक है। अब हम यहाँ पे होमोजीनियस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो फंक्शन है ये आपका होमोजीनियस होना चाहिए। तो अब किसी फंक्शन को होमोजीनियस कब बोलते हैं, तो अगर आपका ये जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई है, इसको हम बोलेंगे होमोजीनियस इससे टू बी होमोजीनियस होमोजीनियस ऑफ डिग्री एन
ऑफ डिग्री एन इफ इस फंक्शन को हम एक्सप्रेस कर पाए कैसे, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स टू द पावर एन समथिंग फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स। अगर हम इस टाइप से लिख पा रहे हैं इस फंक्शन को, तब हम बोलेंगे कि जो आपका फंक्शन एफ है ये आपका होमोजेनियस है ऑफ डिग्री एन, क्योंकि यहाँ पे आपकी एक्स टू द पावर एन है। अगर यहाँ पे एक्स स्केयर आप कोई कोई फंक्शन आ रहा है उसको आप एक्स स्केयर इंटू समथिंग फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स के फॉर्म में लिख रहे हैं तो वो आपका 2 डिग्री का हो जाएगा, है ना। तो यहाँ बट यहाँ पे हम फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे जो एक्स की पावर है वो हम 0 लेंगे, 0 डिग्री होमोजीनियस फंक्शन की बात करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे जो आपका होमोजीनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्मेट है वो आपका इस टाइप से होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स। अगर इस टाइप का फॉर्मेट आ रहा है तब हम इसको बोल देंगे होमोजीनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो ये तो आपका इसका फॉर्मेट हो गया जनरल। अब हम देखेंगे इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना पड़ेगा वो क्या करना पड़ेगा, जो वाई बाई एक्स है इसको समथिंग आप वी ले लीजिए, ठीक है। हमें बेसिकली चाहिए क्या, डी वाई बाई डी एक्स, इसकी वैल्यू हम कुछ ना कुछ निकालेंगे और वो पुट करेंगे, वहां से हमारा सिंपल फॉर्म आ जाएगा ताकि हम वहां से सॉल्व कर पाए, राइट। तो यहां से आपका वाई इक्वल टू आ गया वी इंटू एक्स। अब यहाँ पे क्योंकि एक्स आपका इंडिपेंडेंट है तो एक्स के रिस्पेक्ट में इस इक्वेशन को आप लोग डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये आप इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए तो वो आपका क्या हो जाएगा, वी एक्स का तो ऐसे ही रह जाएगा प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन में डी एक्स, ठीक है। तो अब आप इसमें जो आपकी ये इक्वेशन इसको कुछ स्टार इक्वेशन दे दीजिए, तो यहाँ पे आप डिवाई बाई डी एक्स का हम वैल्यू रख सकते हैं, तो डिवाई बाई डी एक्स का वैल्यू रखेंगे तो आपका ये हो जाएगा वी प्लस एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स है, तो वाई बाई एक्स को हमने वी माना है तो ये आपका होगा फंक्शन ऑफ वी। तो यहां से आपका हो जाएगा डी वी अपॉन में जो डी एक्स है वो आपका हो जाएगा फाई ऑफ वी माइनस वी अपॉन में एक्स, इम्प्लाई डी वी अपॉन में फाई ऑफ वी माइनस वी इक्वल टू डी एक्स अपॉन में एक्स, ठीक है। अब ये हमने इस फॉर्मेट में ही क्यों करा, क्योंकि अभी तक हमने सेपरेशन वेरिएबल वाला जो मेथड है वो पढ़ लिया है, हमें पता है कि उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसीलिए हमने इस टाइप से ट्रांसफॉर्मेशन लिया है ताकि ये जो आपको जो दिया हुआ है होमोजीनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ये आपका कन्वर्ट होके इस फॉर्मेट में आ जाए ताकि हम इसको सेपरेट कर पाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे सेपरेट हो गया तो हम लोग सेपरेशन वेरिएबल वाला लगा सकते हैं, इंटीग्रेट कर दीजिए और सॉल्यूशन आपका मिल जाएगा, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ करना नहीं है, तो इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। सो एग्जाम्पल आपका सपोज क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, ये एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल दे दिया है इक्वेशन और इसका आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये आपका कौन सा मेथड इसमें लगेगा, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं हमने अभी तक दो ही मेथड पढ़े हैं, तो पहले तो हमें डीवाई बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा। ये आपका कितना हो जाएगा, रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस वाई बाई एक्स। अब यहां से हम लोग सेपरेट तो नहीं कर सकते इसको, और ना ही आपका रिड्यूसिबल टू सेपरेशन वाला है, तो अब हमें यहाँ पे होमोजीनियस चेक करना पड़ेगा। तो होमोजीनियस चेक करने के लिए आपका फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर ये अंडर रूट वाला है इसमें अगर आपने एक्स कॉमन लिया, ठीक है, तो एक्स कॉमन लेंगे तो आपका ये हो जाएगा 1 प्लस वाई बाई एक्स का स्केयर प्लस वाई अपॉन में एक्स। अब ये जो डिनोमिनेटर है इसको अलग अलग कर दीजिए, तो अलग करेंगे तो ये आपका हो गया 1 प्लस वाई बाई एक्स का स्केयर प्लस वाई बाई एक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स हो गया। तो आपने क्या कर दिया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू समथिंग फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स लिख दिया, इसका मतलब आपका
ये होमोजीनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अब आप उस वाला फॉर्मेट यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उस फॉर्मेट को यूज करने के लिए आपको क्या करना होगा, वाई बाई एक्स को वी मानिए, और यहां से हमने देखा था कि जो डी वाई बाई डी एक्स आपका आ रहा था वो आ रहा था वी प्लस एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स, ठीक है। बस अब आपको यहाँ पे पुट कर देना है और इसका आंसर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग अगर पुट करेंगे तो आपका हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पे y अपॉन एक्स को हमने v माना है, ठीक है। तो x आपका जो हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आपका हो जाएगा वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई आपका हो गया वी एक्स अपॉन में एक्स, ठीक है। और एक्स को अगर हम कॉमन लेना चाहें तो ये हो जाएगा वी प्लस वन प्लस वी स्क्वायर, राइट। तो यहां से ये वी से वी आपका कैंसिल हो गया, ये आपका हो गया एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट वन प्लस वी स्क्वायर। यहां से अगर आप सेपरेट करेंगे इसको तो यह आ जाएगा डी वी अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। तो यहां से अब आपको क्या काम रह गया, आपको इंटीग्रेट करना है और आंसर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इंटीग्रेट करने के लिए आपको डी एक्स बाई एक्स का तो इंटीग्रेशन आप इजीली कर पाएंगे, फिर आपको कहाँ पे फंसेंगे आप कि अंडर रूट वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस वी स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है वो कैसा होता है, ठीक है। अगेन आपको यहाँ पे फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी। तो इस टाइप के ये जो मेथड्स हम लोग पढ़ेंगे इसमें आपको कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूलाज हैं उनकी जरूरत पड़ेगी। तो इजीली जो होते हैं साइन कोस एक्स टू द पावर एन इन सबका तो सबको याद रहता है, जो मेन जो आपको प्रॉब्लम आती है वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इस टाइप के जो फॉर्मूलाज हैं उनमें दिक्कत आती है। तो इस टाइप के जो फॉर्मूलाज है आप लोग लर्न कर लीजिए। तो इसका मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देती हूँ, इसका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा y प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू समथिंग कॉन्स्टेंट इंटू एक्स स्क्वायर। आप लोग खुद से इस चीज को वेरीफाई करेंगे कि इस जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन ये आएगा। यहाँ पे जब इंटीग्रेट करेंगे तो v के फॉर्मेट में आएगा और फिर v की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे y बाई एक्स, तो आपका ये y और x में फॉर्म आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई ऐसा भी फॉर्मेट होता है जिसको हम वो होमोजीनियस नहीं होता है पर उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो वो उसका फॉर्मेट क्या होता है आपका, सबसे पहले तो dy वाई बाय डी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन में ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन। अगर ये फॉर्मेट आपका आता है जहां पे ए बी सी ए वन बी वन सी वन आपके सारे कॉन्स्टेंट हैं तो इसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं टू होमोजीनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब कैसे इसको रिड्यूस करेंगे, तो इसमें आपके दो केस बनेंगे, ठीक है। तो अब वो दो केस कौन कौन से बनेंगे, अब यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट है आपके ए बी सी ए वन बी वन सी वन इनमें कुछ रिलेशन होगा, तो आपका केस फर्स्ट जो है वो किस टाइप से बनेगा। केस अगर हम फर्स्ट की बात करें तो आप इस रेशियो को देखिए ए अपॉन ए वन बी अपॉन बी वन, तो एक तो केस बनेगा कि ये आपका जो रेशियो है वो इक्वल ना हो, ठीक है, और दूसरा केस बनेगा कि ये इक्वल हो जाए। तो ए अपॉन ए वन इक्वल टू बी अपॉन बी वन, अब ये इक्वल है तो कुछ ना कुछ मतलब किसी ना किसी वैल्यू के इक्वल होगा, उसको सपोज हमने लेमडा नाम दे दिया है। तो अब आपके ये दो केस फॉर्म हो गए। तो दोनों केस में हम लोग कैसे करेंगे, जो फर्स्ट वाला केस है इसमें आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है ये जो स्मॉल एक्स है इसको आप करेंगे कैपिटल एक्स प्लस एच और जो स्मॉल वाई है इसको कैपिटल वाई प्लस स्मॉल की, ठीक है। तो यहां से आप एक चीज देख सकते हैं कि जो डी एक्स होगा वो, क्योंकि यहाँ पे h और k जो है वो कॉन्स्टेंट है और कैपिटल x कैपिटल y जो है आपके वेरिएबल है, ठीक है। तो ये
जो स्मॉल एक्स का जो डेरिवेटिव है वो इक्वल हो जाएगा कैपिटल एक्स के डेरिवेटिव के इक्वल, और सिमिलरली वाई के लिए हो जाएगा। अब यहाँ पे बात आएगी कि इस एच और के को हम कैसे चूज करेंगे, हमें कैसे पता कि एच और जो के है वो किस टाइप से लेना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो एच और के जो चूज करने हैं उसके साथ एक कंडीशन है, चूज एच एंड के सच दैट ए एच प्लस बी के प्लस सी इक्वल टू जीरो हो एंड ए वन एच प्लस बी वन के प्लस सी वन इक्वल टू जीरो हो। तो आपको क्या करना है, एक्स की जगह एच पुट किया, वाई की जगह के पुट किया, इसको अगर एक इक्वेशन माने, इसको अगर दो इक्वेशन माने, तो इसमें जब एक्स की जगह एच और वाई की जगह के पुट करेंगे तो दो इक्वेशंस फॉर्म होंगी, वो दोनों इक्वेशंस आपकी जीरो के इक्वल होने चाहिए। ठीक है, जिस हिसाब से आप एच और के को चूज कर रहे हो, तो इन दोनों इक्वेशंस को जब आप जीरो के इक्वल करेंगे तो आपकी एच और के की वैल्यू आ जाएगी। आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपका होमोजीनियस इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा, और उसको फिर हम जैसे हमने होमोजीनियस का जो फॉर्मेट यूज किया है उसको जैसे सॉल्व किया है उस टाइप से इसको सॉल्व कर लेना है। अब नेक्स्ट आपका आता है केस टू, जिसमें आपका इनका जो रेशियो है वो किसी लैम्डा के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो इस केस में आपको कुछ नहीं करना है, ए अपॉन ए वन इक्वल टू लैम्डा हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ से एक चीज पुट कर सकते हैं, जो ए है उसको हम ए वन लैम्डा रख सकते हैं और बी है उसको बी वन लैम्डा पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपका अगर इसको इस वाले फॉर्मेट में देखेंगे तो आपका किस हिसाब से आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए वन लैम्डा एक्स प्लस बी वन लैम्डा वाई प्लस सी इक्वल टू ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, लैम्डा अगर लेंगे तो ए वन एक्स प्लस बी वन वाई हो गया प्लस समथिंग सी हो गया, और ये आपका ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन हो गया। ठीक है, अब आप क्या करिए, ये जो ए वन एक्स प्लस बी वन वाई ये दोनों में कॉमन आ रहा है, इसको समथिंग जेड मान लीजिए, कोई वेरिएबल जेड है, और वहां से आप डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। जैसे हम अगर इसको हाँ, तो इसमें नेक्स्ट क्या बताया मैंने कि आप क्या करेंगे, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई जो है इसको जेड के इक्वल पुट करेंगे, यहां से इस इक्वेशन को हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करेंगे, तो यहां से आपका ये जो डी वाई बाई वाई को करेंगे तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स का कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगा, यहाँ पे उसको हम इसके इक्वल पुट करेंगे, यहाँ पे जेड पुट करेंगे, तो आपका जो इक्वेशन है वो आपको कुछ होमोजीनियस फॉर्म में आएगा, वहां से हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे रही हूँ दोनों केसेस से रिलेटेड, इन दोनों क्वेश्चंस को आप नोट डाउन करिए और खुद से ट्राई करिएगा, जैसे मैंने अभी दोनों मेथड्स आपको बताए हैं।